जाएगा, कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कल जानकारी मिल जाएगा मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ। और आप लोग तो चला ही दिए, तो और कहाँ अभी फिर से पूछ रहे कहाँ से लड़िएगा, कल हम ऐलान कर। ये तो बीजेपी वाला से गिरिराज सिंह से पूछे कि क्यों डर रहे हैं। बिहार के एक देश का इतना बड़ा मजबूत नेता और करने के लिए डर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए का क्या है बिहार में। डर तो रहे हैं गिरिराज सिंह जी, उनको लगता है अभी उनको पाकिस्तान जाने की आवश्यकता है, लगता है उनको बेगूसराय पसंद नहीं है। ये थे मुकेश सहनी, जिन्होंने आज ये बताया कि तीन जगह उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फाइल करवाया और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया या फिर जताने का प्रयास किया कि जो मीडिया में बातें चल रही हैं कि वो खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कल प्रेस वार्ता करके वो इस बात का ऐलान भी कर देंगे। इस बीच एनडीए पर उन्होंने निशाना साधने में ज़रा भी कमी नहीं की, खास करके गिरिराज सिंह पर पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने बड़ा चुटीले और खुश होकर के दिया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें बड़ा नेता कहा जाता है, लेकिन वो डर रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, और इतने बड़े नेता का चुनाव नहीं लड़ना एनडीए के लिए बहुत बड़ी बात है, यानी कि एनडीए डर गया। अब हम आपको ये भी बता दें कि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने नई नई पार्टी बनाई है, और नई पार्टी बनाने के साथ ही उनका जिस तरह का सरोकार रहा है जनता के बीच में, उसे देखते हुए महागठबंधन में उन्होंने अच्छी खासी यानी कि 3 सीटें झटक ली हैं, और ये 3 सीटें जो मिली हैं उसमें बहुत ज़्यादा हद तक चांस है कि वो खगड़िया चुनाव लड़ेंगे। देखिए आगे वो क्या क्या कह रहे हैं। और आप लोग तो चला ही दिए, तो और कहाँ अभी फिर से पूछ रहे कहाँ से लड़िएगा, कल हम ऐलान कर देंगे। खगड़िया कल घोषित आप कर देंगे? कल घोषणा कर देंगे, कहाँ लड़ेंगे वो घोषणा कल कर देंगे। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसको मानते हैं? तो आप लोग चलाइए, वो तो आप चला ही रहे, हम देख ही रहे कि आप लोग सुबह से चला दिए हैं, तो आप लोग को जानकारी मिल ही जाता है। तो फिर बिहार में महागठबंधन कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अभी हमने आज 3 जगह नॉमिनेशन करा के आए हैं और बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग बिहार में बहुत मैक्सिमम सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये बताइए बेगूसराय में गिरिराज सिंह क्यों डर रहे हैं? ये तो बीजेपी वाला से गिरिराज सिंह से पूछे कि क्यों डर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इसी ये दिख रहा है कि वो कितना मजबूत, इतना बिहार के एक देश का इतना बड़ा मजबूत नेता और बेगूसराय से लड़ने के लिए डर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए का क्या है बिहार में। कहीं ना कहीं कन्हैया से ये डर है क्या? कन्हैया से नहीं, महागठबंधन से डर है उनको, कि महागठबंधन कन्हैया जी तो, और निश्चित तौर पर उनसे भी डर रहे हैं। आप तो ये समझ सकते हैं अभी वो पार्टी से भी, अगर सीपीआई से भी अगर डर रहे तो ये हम लोग के लिए अच्छा संकेत है। कन्हैया को सब क्या होगा सर? तनवीर हसन आराम से चुनाव जीतेंगे और वो मजबूती से जीत रहा है, और हमारे तो प्रत्याशी जो हैं वो मजबूती से वहाँ तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। डर तो रहे हैं गिरिराज सिंह जी, उनको लगता है अभी उनको पाकिस्तान जाने की आवश्यकता है, लगता है उनको बेगूसराय पसंद नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।